चलो एक दुनिया बनाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग होंगे और उनका मकसद होगा कि उन्हें मेरी उड़ने वाली मशीन वापस लानी होगी और मेरा हथियार भी। चलो इस दुनिया को स्टार्ट करते हैं। हाँ, वाओ, ये कौन सी जगह है? ओह वाओ, कितनी सुंदर जगह है। अरे तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक चिड़िया हूँ और मैंने एक आदमी को खोजा है जिसके पास एक बॉल है और वो आदमी जो है वो आधा है और लेकिन वो बोल सकता है। ये एक ऐसी बॉल है जिसको हम अगर एक ब्रेसलेट के बीच में रख दें और तो ये हमें एक सुपर पावर मिलेगी। अब मुझे नहीं पता है वो सुपर पावर कौन देगा और वो मुझे बॉल दे भी नहीं रहा है। मैंने उससे बॉल लेने की कोशिश करी थी लेकिन वो नहीं दे रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो बॉल लेने में? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा लेकिन वो सुपर पावर तुमको मिलेगी या मुझे मिलेगी? अब ये तो मुझे नहीं पता है, अब ये तुम ही जानो। अच्छा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो फिर मेरे साथ चलो। लेकिन तुम तो उड़ सकती हो। मैं नहीं उड़ सकता। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं जो है तुमको उड़ा के ले चलूँगी उसके पास। ठीक है, मैं चढ़ गया, चलो। तो ये रहा वो आदमी। अच्छा, तो ये है वो आदमी। चलो मैं इससे बात करता हूँ। क्या हुआ, तुम मुझे अपनी बॉल क्यों नहीं दे रहे? मैं ये बॉल तुमको एक शर्त पे ही दूंगा कि तुमको मुझे ला कर देना होगा एक बहुत अच्छा बैच जो कि बहुत परेशानियों के बाद मिलेगा। तो बताओ मुझे इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, चलो मैं जाता हूँ। तो चलो मुझे लेकर चलो। लेकिन एक दिक्कत है, वो जगह बहुत दूर है। मैं उस जगह को जानता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ठीक है, चलो आओ। अब हमें इस राक्षस से लड़ना पड़ेगा जो कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, बस उसकी आवाज़ अलग है। हा, तुम कौन हो और मेरे यहाँ क्या करने आए हो? हमें वो बैच चाहिए जिसकी तुम रक्षा कर रहे हो, लेकिन वो बैच मैं तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि वो मैंने बहुत मुश्किलों से पाया है। अगर तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है तो आ जाओ, मुझसे लड़ाई करते हैं, जो जीतेगा वो बैच उसका। ठीक है, चलो। और ये तो आ गया वो बैच। जाओ, वो बैच तुम्हारा हुआ। वो देखो, वो रहा बैच। चलो उसके पास चलते हैं और उसको लेकर चलते हैं। लेकिन
इतने बड़े बैच को हम लोग कैसे लेकर जाएंगे? तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक जादुई शक्ति है जिसके मदद से मैं टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। तो चलो टेलीपोर्ट होते हैं। 3, 2, 1। ये देखो हम उसके पास आ गए। अब चलो उसे ये बैच देते हैं। मैं उसको ये बैच देकर आती हूँ। ये लो तुम्हारा बैच, अब वो बॉल मुझे दे दो। ठीक है, तुम ये बॉल ले जाओ। शुक्रिया मुझे वो बॉल, वो मुझे वो बैच देने के लिए। तुम्हारा भी शुक्रिया मुझे ये बॉल देने के लिए। देखो मैं ये बॉल ले आई हूँ। अब लेकिन वो ब्रेसलेट कहाँ है और हम लोग उसको कैसे ढूँढें जिसके बीच में ये बॉल रखनी है? हाँ, मैं अपनी गाड़ी को भेज सकता हूँ, वो मेरी बात मानती है और वो ब्रेसलेट लेकर आ जाएगी। ये क्या? तो ठीक है, मैं अपनी गाड़ी को भेज रहा हूँ। मुझे ये ब्रेसलेट मिल गया, अब मैं फटाफट चलता हूँ उसके पास। देखो मेरी ये गाड़ी ब्रेसलेट ले आई। अरे वाह, तुम्हारी गाड़ी तो बहुत अच्छी है। अब फटाफट से इसके बीच में बॉल रखते हैं। देखो मैंने बॉल रख दी, लेकिन इसमें कुछ हो नहीं रहा है। हो, अरे ये किसकी आवाज़ है? तुम्हें वो ब्रेसलेट चाहिए होगा और तुम उसके ऊपर बॉल रखोगे, तब मैं आके तुम्हें अपनी शक्तियाँ दूंगा। लेकिन वो ब्रेसलेट कहाँ से लाए हम लोग? अब पता नहीं वो ब्रेसलेट हम लोग कहाँ से ला सकते हैं। एक मिनट, याद करो, हमने उसको वो ब्रेसलेट दिया था जिसने हमें बॉल दी थी। हाँ याद आया, चलो मैं उससे बॉल लेकर आता हूँ। अच्छा मौका है, ये सो रहा है, मैं चुपके से ब्रेसलेट ले चलता हूँ, बस ये जागे ना। चलो चलते हैं। ये देखो मैं ब्रेसलेट लेकर आ गया। मैंने रख दिया ब्रेसलेट के ऊपर बॉल। अब मैं तुमको अपनी शक्तियाँ दूंगा। यो, तुम्हारे पास अमर होने की शक्तियाँ हैं। अब मैं अमर हूँ, अब मैं इस दुनिया पे राज करूँगा। ये लो, और तुम कौन होते हो? तुम भी ये लो, और राक्षस जिसको मैंने मारा था, ये ले ये ले ये ले ये ले। अब मैं अमर हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम गलत कर रहे हो। क्यों, इसमें क्या गलत है? अब मैं अमर हूँ, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं गॉड हूँ। तो तू गॉड है तो? रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। 1, 2, 3। लो अब तुम देखना तुम कैसे मरोगे। या ये लो, अब मैं तुम्हारी पावर तुमसे छीनता हूँ। ये लो, अब तुम्हारी पावर जा चुकी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हारा फायदा इसी में है कि ये सारी चीज़ें जो तुमने सबको मारा है उसको तुम ठीक कर दो, समझे? मैं नहीं ठीक करूँगा। ये लो,
अरे मेरी पावर कम हो रही है, मैं क्या करूं? देखा, अगर मेरे अंदर पावर भी नहीं है तब भी मैं जीत सकता हूँ, समझे? मुझे माफ कर दो, तुम्हारा तुमसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसको क्या पता मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन अब ये देखेगा क्या होता है इसके साथ। क्या तुम मेरी वो उड़ने वाली मशीन ला सकते हो? पर मैं क्यों लाऊं? तुम्हारा बहुत एहसान होगा, तुम वो उड़ने वाली मशीन ले आओ। लो, मैं तुम्हारी उड़ने वाली मशीन ले आया। हा, तुमको क्या लगा मैं तुम जैसे आदमी को छोड़ दूंगा? अब तुमने जो इतने लोगों का कत्ल किया उसका क्या? हाँ बोलो, क्या हो गया अब तुमको? बोलते क्यों नहीं, अब बोल भी दो। याद रखो, मेरे पास बहुत पावर है। मैंने तुमसे अमर होने की शक्ति तो छीन ही ली थी ना, अब तुम्हारे पास कैसी और क्या पावर है? अब तुम देखो, हाँ इसको तो मैंने मार दिया। हाँ अब मैं सब लोगों को जिंदा करता हूँ जिसने मारा है इस जिन लोगों को इसने मारा। अब ये देखेगा पावर ऑफ गॉड क्या होती है। हे शैतान, तुम्हें मैं एक शर्त पे ही जिंदा करूँगा। अगर तुमने अच्छे कर्म किए तो फिर मैं तभी तुम्हें ज़िंदा करूँगा। हाँ मैं आपसे अच्छे कर्म करूँगा, बस तुम मुझे ज़िंदा कर दो। ठीक है तो ये लो, आपका धन्यवाद। ये लो, आपका धन्यवाद। ये लो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसको तो मैं भेज ही देता हूँ नर्क में। ये लो, चलो ये भी चला गया, अब इस दुनिया में सब अच्छे से जिएंगे। तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। बाय बाय।